हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो आज मैं आप सभी के सामने हूँ यहाँ पर आसाम जुडिशियल सर्विसेज के जो पोस्ट आई है उसको लेकर। यहाँ पर बात करेंगे कितनी पोस्ट आई है, कब से यहाँ पर एप्लीकेशन जो है सबमिट करने का टाइम है, कब तक आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, यहाँ पे एज क्या रहने वाली है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ का सिलेबस क्या रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम वीडियो में आगे कवर करते रहेंगे। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहे, आपको कुछ भी ऐसा ना लगे कि आपकी चीज़ें जो है यहाँ पे स्किप हो गई है, तो आपको इसके लिए स्किप करना नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आसाम जुडिशियल सर्विसेज ग्रेड वन की यह वैकेंसी है। तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है 24 अक्टूबर 2024 को आया था और यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है यह रहेगी 17 नवंबर। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है यह जानना कि आप जिस भी वीडियो को सुन रहे हैं, जिस भी वैकेंसी को सुन रहे हैं, एक्चुअल में वह वैकेंसी का टाइम तो रहा है क्या, उसके बाद आप जो उसको लंबा सुनिए। तो शुरुआत कर लेते हैं, हमने कर ही ली है। तो 17 नवंबर 2024 तक आप जो इसके एप्लीकेशन डाल सकते हैं, मीन्स कि आपके पास एक अच्छा खासा समय है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये कौन से डिपार्टमेंट से आई है। ओके, तो यहाँ पर ये जो पोस्ट आई है वह आई है गुवाहाटी हाई कोर्ट एट गुवाहाटी से। यहाँ पर ये पोस्ट आई है, ग्रेड वन की वैकेंसी है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पर पोस्ट की संख्या 12 पोस्ट यहाँ पे बताई गई है। बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी सैलरी के साथ आपको अलाउंसेस भी मिल रहे हैं। यहाँ पर सैलरी जो रहेगी 1,44,840 से यहाँ पे स्टार्ट है, जो कि 1,94,660 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे दिए जाएंगे डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पर जो भी अलाउंसेस रहते हैं, जिसमें कि हम हर एक चीज़ होम रेंट, होम अलाउंसेस भी होता है, मेडिकल अलाउंसेस भी होता है, सारे यहाँ पर जो मिलने वाले अलाउंसेस होते हैं वह सारे इंक्लूड किए गए हैं। तो इनके साथ में आपकी एक जो अट्रैक्टिव सैलरी है वह बन रही है। और अनरिजर्व के लिए है ये पोस्ट जो है, और बाकी क्या फ्रेशर के लिए यह जॉब है। तो यहाँ पर यस, आपके लिए फ्रेशर के लिए यह जॉब नहीं रहेगी, जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए यह जॉब रहती है। तो फ्रेशर को यही बोलना है कि अगर आपकी लॉ कंप्लीट हो चुकी है, अगर आपको 2-3 साल हो गए हैं और अभी तक अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा लीजिए, ताकि आपका जो भी ये एक्सपीरियंस है वह भी काउंटिंग में आए। और उसके बाद में जितने भी ये हमारी वैकेंसीज निकलती है, जिसमें कि 2 साल 3 साल के भी एक्सपीरियंस मांगा जाता है, तो वहाँ पर आप भी जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मली आपसे कितना मांगा गया है वह आएगा एलिजिबिलिटी में। बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ की योग्यता क्या है। तो योग्यता की बात करते हैं, तो क्योंकि देखिए आसाम जुडिशरी है, तो यहाँ पर योग्यता के अंतर्गत है कि आर्टिकल 5 और 6 के अंतर्गत आपको जो है भारत की यहाँ पे नागरिकता के अंतर्गत आप आ रहे हो। दूसरा यहाँ पर रहेगा कि आपके जो आपके पास में आपकी लॉ की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पे डिजायरेबल चीज़ें कुछ नहीं मांगी है, सिर्फ आप ग्रेजुएशन मांगी है, लॉ ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। और तीसरा ये है कि BCI की तरफ से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में आप आने चाहिए, वहाँ से आपने अपनी लॉ की डिग्री ली है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं योग्यता के अंतर्गत। यहाँ पे बताया गया है कि आपने अपनी एडवोकेसी के 7 साल पूरे कर लिए हो। आपकी जब भी आपकी लास्ट डेट तक आपका जो ये 17 नवंबर तक आपका जो है 7 साल कंप्लीट होने चाहिए। और यहाँ पर आपके जो एडवोकेसी आप कर रहे हो वह कंटिन्यू एडवोकेसी होनी चाहिए। आपका जो रजिस्ट्रेशन है तब से आपने जो है यहाँ पे जिस भी बार में आप है उसमें कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस चल रही हो, इसका आपको एक सर्टिफिकेट हमें इशू करवाना है। यह सर्टिफिकेट कौन देता है, तो जो बार के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वहाँ पे वो जो चुन के आते हैं, तो वही जो रहते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं, उनके साइन के बाद में हमें यहाँ पर हमारा जो ये सर्टिफिकेट होता है वह मिल जाता है। तो यही है कि 7 साल की प्रैक्टिस, जो कि इजीली बहुत सारे एडवोकेट्स के पास रहती है 7 साल की प्रैक्टिस, और उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे ग्रेड वन की जॉब मिल रही है, जिसकी कि इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव सैलरी है, आपके 1.5 से 2 लाख के बीच में यहाँ पे आपकी सैलरी मिल रही है, आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं, इतना ज़्यादा रेपुटेटेड जॉब ये हो जाता है। और आपने करना क्या है, आपको अपना लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट यहाँ पे हुआ है और मात्र 7 साल की एक जो है एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है आसाम जुडिशरी के अंतर्गत।
और हमें बस बार का एक जो सर्टिफिकेट होता है वह दिखाना होता है, और वह जो कब उसको अप्लाई कर सकते हैं, तो जब यहाँ पर आपका जो अपॉइंटमेंट हो जाता है तो यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंतर्गत आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे ली जाती है कि आपने जो है कब से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है और कितना टाइम आपको यहाँ पे हुआ है, और आपका जो सर्टिफिकेट है वह जो है लीगली आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे चेक किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं एज की, तो एज का क्या क्राइटेरिया यहाँ पे रहता है। एज की बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम आपकी 35 साल होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स आपके 45 साल आपकी एज यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपकी एज 45 साल तक की है तो आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका जो सिलेक्शन है वह कैसे होता है, यहाँ पर जो पेपर्स होते हैं वह कैसे होते हैं। तो नॉर्मली यहाँ पे बता रखा है कि प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। प्री एग्जामिनेशन जो रहते हैं यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है, OMR के में आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और 2 घंटे का रहेगा, और यहाँ पे 60% मार्क जो है आपको यहाँ पे जो है करने रहते हैं। यहाँ पर जब आपके पास इतने मार्क्स आ जाते हैं उसके बाद ही आप जो है मेंस के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद में मेंस का क्या क्राइटेरिया रहता है, मेंस में कितने पेपर होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशंस की, तो मेंस एग्जामिनेशंस में यहाँ पे 4 पेपर रहते हैं, और जो 4 पेपर रहेंगे, अब इसमें ये भी आ गया कि सिलेबस कौन सा रहेगा, तो सिलेबस को भी यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो नए और पुराने क्रिमिनल लॉज यहाँ पे रहेंगे, और उसके अलावा इसका एक अलग से सिलेबस का पूरा दे रखा है, वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आसाम हाई कोर्ट जो है दैट इज www.gsconline.gov.in, जो कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप जो है यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इस एग्जामिनेशंस के लिए ग्रेड 1 के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। बाकी नए क्रिमिनल लॉज भी यहाँ पे बताए गए हैं, तो ये भी आपको देखना है। 4 पेपर रहेंगे, और जो स्टेज 1 और स्टेज 2 में यहाँ पे इसको किया गया है। स्टेज 1 में यहाँ पे प्री है, जिसमें कि आपको 60% लाना होता है। उसके बाद में आप जो है मेंस में आ जाते हैं, और मेंस में आप भी आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स का एक क्वालिफी जो रहता है, उसके बाद में आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू का क्या रहता है कि इंटरव्यू में आपको टोटली मिला के 60% जो है एग्रीगेट के हिसाब से आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाता है, जितनी पोस्ट होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे बुलाया जाता है। और मेंस में ये रहता है कि आपके जो पेपर रहता है उसमें लॉज रहती है, लैंग्वेज भी रहती है, और यहाँ पर जो आसामी लैंग्वेज रहती है उसके भी मार्किंग रहती है, तो यह भी देखने होगा। तो हर एक चीज़ है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो पेपर आते हैं उनकी मार्किंग क्या रहती है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट यह चीज़ हो जाती है कि यहाँ पे जो मार्किंग रहती है वह कि यहाँ पे जो प्री एग्जामिनेशन है, जैसे कि मैंने बताया 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 90 मार्क्स जो रहते हैं GK और लॉ में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो 10 मार्क्स रहेंगे वहाँ पर आसामी लैंग्वेज के रहेंगे। अब बात कर लेते हैं मेंस की, तो मेंस में भी यहाँ पे 3 पेपर रहते हैं, जिसमें कि लॉज रहता है, लैंग्वेज रहती है, और उसके साथ ही यहाँ पे जो चौथा पेपर होता है, फोर्थ पेपर जो रहता है वह रहता है ऑफिशियल लैंग्वेज का। मीन्स कि यहाँ पे आपको असेंबली लैंग्वेज रहती है, उसके अंदर आपको यहाँ पे जो भी इसका पैटर्न रहता है, एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको आंसर करने रहते हैं। और इंटरव्यू रहता है तो वह 50 मार्क का रहता है, तो इस हिसाब से आपकी जो मार्किंग होती है इंटरव्यू मेंस और प्री की जो मार्किंग रहती है, उसके बाद में आपका जो एग्रीगेट है वह 60% से ऊपर होना चाहिए, और पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जो है सिलेक्शन दे दिया जाता है। इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी, तो एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे 500 रुपये रहेगी। साथ ही एक चीज़ इंपॉर्टेंट यह भी है कि आप जब भी अगर आपको लगता है कि आप जो है इस एग्जामिनेशन के लिए बने हो, आपको यहाँ पर कोई इश्यूज है नहीं, तो आप जो है ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो आप यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे विजिट कीजिए, साथ ही देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी दे रखे हैं। आसाम स्टेट है, उसके भी अलग से रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, यहाँ के जुडिशरी के भी रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं। तो हर एक जो चीज़ रहती है वह अपने जो है आपको वेबसाइट पे जाके सर्च करके विजिट करके उसके बाद में जो है यहाँ पे पेपर को जो एप्लीकेशन है उसको फिलअप कर सकते हैं। और यह जो जॉब है वह फ्रेशर के लिए नहीं है, यह एडवोकेट्स के लिए है। होपफुली यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।